हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। वुमेन्स चैंपियंस लीग का मैच होने वाला है जो कि खेला जाएगा बेनफिका वुमेन वर्सेस बेयर्न म्यूनिख वुमेन्स के बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही मैच हो रहा है भाई। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैच जैकपॉट साबित हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा ओपन देने की, बट अभी श्योर नहीं है, क्योंकि जब दिन में कम मैच रहते हैं ना तो मैं उस दिन ओपन देता नहीं। तो बात करें, यह है टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है एबी रॉक्स टीम 11 टीम्स। आइकन सब्सक्राइबर्स आप सब देख सकते हैं। तो गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते आगे, सबसे पहले मैं आप बात करना चाहूंगा कि यहां पर बेयर्न म्यूनिख जो टीम है, मतलब ये जो आपको दिख रही है बेयर्न म्यूनिख, ये वुमेन्स जो टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के मैच के लिए, क्योंकि बीईएन टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही एज अ वुमेन टीम। तो बात करूँ सबसे पहले गोलकीपर की, यहाँ सुनूंगा लेटिसिया को। भाई आपको ढंग की गोल सेवर चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन गोल सेव होंगे कि नहीं ये हम कुछ नहीं कह सकते। इस बात का कहने का मतलब है कि बेयर्न म्यूनिख टीम पूरी की पूरी कोशिश करेगी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त, ज़्यादा से ज़्यादा हाइएस्ट गोल अचीव करने की, लेकिन गोलकीपर का काम है गोल रोकना, तो कुछ भी हो सकता है। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहां से लूंगा एज ग्लास को। देखो, हैना ग्लास और एक और प्लेयर इनकी सी सिमन, ये दोनों प्लेयर्स आपको हर बंदे की टीम में दिखेंगी। मतलब इवन जितने आपके ओपोनेंट होंगे, ये दोनों टीम्स उनकी टीम में होगी ही होगी, आई एम कंफर्म। लेकिन एक थर्ड प्लेयर है मैक्सिमिलियन रॉल, आज के मैच में आपको गोल करती दिख सकती है। 90% चांस है इसके गोल के। अब आप सोचोगे इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हो आप एक डिफेंडर के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एनालाइज कर रहा था तो बेयर्न म्यूनिख के ना मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड देखे, तो मेरे को डिफेंडिंग में टॉप 5 के अंदर एक डिफेंडर का नाम दिखा, वो थी एमरॉल। और एमरॉल को जब मैंने एनालाइज किया तो ये पता चलता है कि इस प्लेयर ने इस सीजन धूम मचा रखी है। दिखने में डिफेंडर है, लेकिन जब ये गोल करने पे आती है, लिटरली क्या स्ट्राइकर क्या मिडफील्डर सब भूल जाती है। मतलब एम रोल में इतना एक्सपीरियंस है, और प्लेयर नेचुरली बहुत ज़बरदस्त खेल सकती है आज का मैच। बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस है इस प्लेयर पे। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा मगुल को। देखो, मगुल को तो आप लोग लोगे, वाइस कैप्टन भी कहीं लोग रखेंगे सिर्फ सिलेक्शन देख के, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं देखनी। मगुल अगर कुछ करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट, लेकिन आपको गोल अगर चाहिए देन यू हैव टू ट्राई लिंडर डॉलमैन, क्योंकि ये प्लेयर आज के मैच में आप ज़बरदस्त चलती देख सकते हो। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, बैटरीज को लूंगा। इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन हुई है यहाँ पे बैटरीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा ना एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, ये है कि पहले मैं सोचा था कि विटोरिया को ट्राई कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एना विटोरिया को ट्राई करता हूँ तो एक टॉप की प्लेयर और छूट रही है फ्रेंक किसका, और मैं सोचा कि मैं चाहता हूँ तो गोल हो ही ना भाई बीईएन का, लेकिन अगर हो गया तो क्या करूँगा। इसलिए इस बात का मतलब है ये है कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप विटोरिया के साथ जाओ, और अगर आपको रिस्क लेना देन यू हैव टू गो विद एफ नेजरेथ। मेरे को लगता है कई लोग रिस्क नहीं लेंगे, ऑलरेडी रिस्की मैच है थोड़ा बहुत, तो विटोरिया के साथ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल डेलमिन की बात करूँ, मेरी वाइस कैप्टन पहले ही बोल दिया कि ये अच्छी फॉर्म में दिख रही है, गोल्स अच्छी कर रही है। एंड बात करूँ स्ट्राइकर की, यहाँ पे लूँगा पहली प्लेयर जो कि लिया स्कलर ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेल रही है, लेकिन सेकंड लास्ट मैच के अंदर जो हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी। सेकंड लास्ट मैच के अंदर इन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूशन एक प्लेयर भेजी थी जोवाना ने आती तीन गोल कर दिए, 3 से 4 गोल भाई, हैट्रिक इन द मैच, बहुत ज़बरदस्त बात थी। कैसे कर रही थी हैट्रिक, लिटरली वो शॉकिंग मूवमेंट थी, क्योंकि 90 मिनट के मैच के अंदर अगर एक प्लेयर 3-3 गोल कर रही है, और अगर पूरी टीम 10 गोल कर रही है, तो कुछ तो खास है ना बेयर्न म्यूनिख में। और आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे निकोल रसियाला, अगर बीईएन गोल करती है तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी प्लेयर पे है, इसके अलावा और कोई नहीं। एंड आगे से बात करूं कैप्टन की, कैप्टन स्कलर, वाइस कैप्टन एल डॉलमैन, ये मेरी टीम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।